उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं इस बार भी ओपन बुक पैटर्न पर होंगी। परीक्षाएं जून में होंगी, रिजल्ट जुलाई में आएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उच्च शिक्षा की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से होंगी। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल असंवैधानिक घोषित होने के बाद इस्तीफे की झड़ी लग गई है। गुरुवार देर रात तक करीब 3000 से अधिक स्टूडेंट्स इस्तीफा अपने डीन को सौंप चुके थे। सरकार की ओर से नामांकन रद्द करने की कार्रवाई के विरोध में भी ये इस्तीफे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत झपरौड़ गांव में मोबाइल चार्ज करने के दौरान पावर बैंक के अचानक फट जाने से युवक की मौत हो गई। गांव में अचानक हुए इस हादसे के बाद दहशत का माहौल है। मोहनगेड़ा तीर्थ के आचार्य ऋषभ चंद सूरीश्वर को शुक्रवार सुबह भावपूर्ण विदाई दी गई। 7 शिखरों का अद्भुत डोल तैयार किया गया, जिसमें विराजित कर महामुनि को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। दाह संस्कार से पहले उन्हें सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विराज के अतिथि भी थे। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं की बंद कमरे में मुलाकात से राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं। मॉनसून ने गुरुवार सुबह केरल में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण और मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। रायलसीमा और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। इस बार मॉनसून 2 दिन देर से पहुंचा है।